साथियों चलो अभी 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 साथियों 25 को चुनाव है और आप लोगों के चेहरों से साफ नजर आ रहा है कि आपने मन भी बना लिया है और बहुत खुशी से और जोश से आप 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। साथियों 10 साल आपने भाजपा को दिए और आज हम जहां भी जाते हैं और आज कई मीडिया के साथियों से बात हुई मेरी और मैंने उनसे पूछा कि आप सब तरफ घूम रहे हो भाई, हम तो अपने लोगों में भी जाते हैं, बात करते हैं, आप बताओ कि हमारे पूरे क्षेत्र की क्या कहानी है। तो जिससे भी बात करो सब यही कहते हैं कि पूरे सिरसा में दोनों बातें हैं, एक तो लोग कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं और दूसरी बात भाजपा को बाहर करने का सबने मन बना लिया है। छत्तीस बिरादरी ने, सभी लोग। तो साथियों आपका ये उत्साह आगे आने वाले वक्त की, कल यूपी के मुख्यमंत्री आए सिरसा में और उनसे एक दिन पहले सिरसा में इन्होंने जेसीबी मशीनों की, बुलडोजरों की लाइन लगा दी। तो हमने पूछा ये कहानी क्या है, क्यों बुलडोजर लाए? तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर लोगों का दबाएंगे, डराएंगे। तो लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया कि आप आके हम तुम्हारे से डरने वाले नहीं है, हम तो तुम्हीं को पता को। और ये लोग जैसे आए खाली हाथ वापस जाएंगे। भाजपा को कुछ दिन मौका दे दिया, 10 साल, अब लोग फिर से गलती करने वाले नहीं। मेरी आप सब से उम्मीद है कि किसान, मजदूर, नौजवान, हमारा गरीब, सभी लोगों ने इनको देख लिया। हम आपसे वायदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी आपसे वायदा करती है कि हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन में आप पार्टी भी है, हमारे कामरेड भाई भी। गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारा वायदा है, कांग्रेस पार्टी आपसे वायदा करती है कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे और किसानों की एमएसपी का हम कानूनी दर्जा देंगे, कोई झगड़ा ही ना रहे। साथियों युवाओं के लिए 30 लाख नौकरी खाली पड़ी है, हम साथ के साथ 30 लाख नौकरियां भर देंगे। और साथियों जो एक बहुत हमारे पूरे एरिया में ये जो चिट्टा और नशा फैला हुआ है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, हमने अपने युवाओं को उससे बचाना है, उस पर सख्ती करनी पड़ेगी। चाहे कोई कितनी भी बड़ी मछली हो, हमने पकड़ना है, अपने बच्चों को बचाना है, माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे को बचाना है और हमने बच्चों को सही दिशा दिखानी है, नौकरी मिले, पढ़ाई करें, एक अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे पढ़े लिखे। रही बात गरीब की, गरीब के लिए हमारा वायदा है कि हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर गरीब परिवार। तो साथियों आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। पुराने लोग हैं, मुझे जानते हैं, मेरे पिताजी को जानते थे और अब ये चुनाव तो साथियों मेरा चुनाव नहीं रहा। चारों ओर मैं देख रही हूँ ये चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हो, मेरी तो कहीं कहीं हाजिरी लग जाती है, वक्त कम है हमारे पास, 9 हलके, तो मेरी हाजिरी लगाइए और 25 तारीख को हाथ के निशान वाला 5वां बटन दबा कर